परमाणु से सोलन तक फोरलेन निर्माण कार्य चल रहा है। फोरलेन निर्माण के लिए पहाड़ों को बेहद सीधा काटा गया है, जिसकी वजह से अब पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं और फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी लगातार इस वजह से दिए गए समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही है। फोरलेन में जुटी कंपनी को कई बार समय अवधि बढ़ाने का मौका दिया गया है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने उन्हें 31 मार्च तक का समय इस मार्ग को पूरा करने के लिए दिया है। परवाणु से सोलन तक फोरलेन निर्माण कार्य चल रहा है। फोरलेन निर्माण के लिए पहाड़ों को बेहद सीधा काटा गया है, जिसकी वजह से अब पहाड़ बरबरा कर गिर रहे हैं और फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी लगातार इस वजह से दिए गए समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही है। फोरलेन निर्माण में जुटी कंपनी को कई बार अब समय अवधि बढ़ाने का मौका दिया गया है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने उन्हें 31 मार्च तक का समय इस मार्ग को पूरा करने के लिए दिया है, जिसके चलते फोरलेन का कार्य दिन रात स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अभी तक इस निर्माण में कुम्हार हट्टी के समीप बन रहे पुल में भी अभी 4 से 5 महीने लग सकते हैं और इसके अलावा 2 से 3 फ्लाईओवर और बनने हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ष के अंत तक ही इस फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। वहीं कुम्हार हट्टी के समीप बन रहे फ्लाईओवर के प्रभारी अजय चौहान ने बताया कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लाईओवर 31 मार्च तक पूरा हो जाए, जिसके लिए वे दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा यहाँ का यातायात है, जिससे वे थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते उन्हें सड़क से गुजरती गाड़ियों के ऊपर ही कार्य करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इस कारण में देरी हो रही है। कुम्हार हट्टी के लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर का काम अब बेहद तेजी से चल रहा है, लेकिन ये काम काफी पहले खत्म हो जाना चाहिए था। निर्माण कार्य में देरी की वजह से उनकी दुकानों और घरों में बेहद धूल आ रही है और उनका सामान भी खराब हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा करना चाहिए। जल्दी तो क्या जी, अब जिस हिसाब से काम चला हुआ, काम तो ठीक चला हुआ है, लेकिन काम अपने हिसाब से ही होगा। ज्यादा जल्दी करके भी कुछ ना कुछ गलत होगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो काम तो ये है कि टाइम लगेगा। धूल मिट्टी से भी परेशानी है? हाँ, धूल मिट्टी तो है ही है, बहुत ज़्यादा है। क्या परेशानी है? धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत है यहाँ पर, दुकानों में धूल ही धूल भर गई है। परेशानी तो घरों में मिट्टी मिट्टी होगी सर, वही दुकानों में प्रॉब्लम तो है ही ना जी। टाइम लगेगा इसको काम को। अब जो आरी बाल है ना जी इनकी, जैसे पहाड़ को उससे कटिंग होगी, आरी बाल थोड़ी लगी है, 10-12 फुट लगी है, तो पहाड़ तो ज़्यादा ऊँचे, वो ज़्यादा हाइट में लगनी चाहिए थी ना जी। और आपको निर्माण कार्य कब लगता है कि कब तक पूरा होगा? सर फ्लाईओवर का तो मई जून में हो जाएगा, उससे पहले 31 मार्च तक तो नहीं होता। जैसे जिला प्रशासन बोल रहा है कि 31 मार्च तक करो, आपको लगता है कि? प्रशासन ने तो 2 महीने पहले काम बंद रखा जी, हाँ काम नहीं करने दिया। अब ट्रैफिक भी चला हुआ है, ट्रैफिक भी जब चला हुआ आपके सामने, अब जैसे शुक्र शनिवार को ट्रैफिक टूरिस्ट आते हैं तब जाम लगता है। हमारा देखिए डे नाइट काम चल रहा है सबसे पहली चीज़, और डे नाइट काम चल रहा है तो हमारा स्टाफ भी जैसे डे नाइट दोनों शिफ्टों में काम कर रहा है, तो लगभग हमारा ये टारगेट जो हमारा 31 मार्च तक हमने खत्म करने का है। जैसे यानी पता किया है यहाँ पर 31 मार्च तक अभी लगता नहीं है कि उम्मीद भी नहीं है कि हो पाएगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी देखिए हम कोशिश करते हैं, हमारा काम है कोशिश करना। हम डे नाइट काम कर सकते हैं, भगवान ने डे बनाया नाइट बनाया उसके ऊपर तो काम नहीं कर सकते, तो उसके यहाँ पे हमारा काम अच्छे से चल रहा है और हमारा पूरा है कि हम पूरा अपना अचीव टारगेट कर लेंगे 31 मार्च तक। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है इसको कम्प्लीट करने में? दिक्कत ट्रैफिक, मेन प्रॉब्लम जो ट्रैफिक है, और ट्रैफिक के साथ साथ मतलब लोकल पब्लिक थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं, लेकिन एज मतलब फिर भी देखा जाए तो लोकल पब्लिक यहाँ की अच्छी है देखा जाए तो उसके हिसाब से वो तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, बट मेन इश्यू है ट्रैफिक का। और आप देख ही सकते हो सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक इतना है तब भी हम इस मतलब ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, हम मतलब अलग डिज़ाइन ला रहे हैं कि हम नीचे मतलब ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, उस हिसाब से हम अपना काम भी कर रहे हैं, तो हमारा काम स्मूथली चला रहे हैं अपनी तरफ। तो इसमें जो अभी ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं 31 मार्च तक की कंप्लीट की, पूरे का पूरा नहीं, पूरे का फ्लाईओवर ही। अभी देखिए 2 प्रोजेक्ट तो नए ऐड हुए इस प्रोजेक्ट को, 167 पे हमारा ब्रिज आया, 16 में आया, उसको तो नहीं बोला क्योंकि उसका एक्स्ट्रा टाइम है एनएचआई की तरफ से, लेकिन बाकी मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 31 मार्च तक। कार्यक्रम में एक बार भी वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।